हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। मैं हूँ अपने गांव में। सुबह की शुरुआत होती है यहाँ पहले चाय से। समय इस टाइम हो रहा है 5:30। चलिए पहले चलते हैं हम पानी लेने, बाद में आपको दिखाएंगे अपना डेली रूटीन। चाय हमने पी ली है और हम जा रहे हैं पानी लेने। और यहाँ पर दादाजी डब्बे को धो रहे हैं। डब्बा धो रहे हो दादा? किस चीज से धो रहे हो? वो डाल रखे हैं पत्थर। पत्थर डाल रखे हैं इसमें। भाई ने आइडिया दिलाया। ब्रश लेके चलते हैं, वहीं ब्रश करेंगे। पानी लेकर आएगा आप? फिर अच्छा। और गाइस, ये पेड़ काफी सालों पुराना पेड़ है। ये है कि यहाँ पर एक और पानी का स्रोत है जो कि बहुत ही नेचुरल पानी आता है यहाँ से। ये पहाड़ों का पानी है, देखिए वहाँ से पानी आ रहा है, उसके बाद इसको इस पाइपलाइन में लाया गया है। अभी हमने यहाँ पर इनमें पानी लगाया है। यहाँ पर दादाजी ने पेड़ लगाए थे तो इन सभी में अभी हमने पानी लगाया। ऑनलाइन क्लास लगाने के लिए यहाँ पर आना पड़ रहा है, यहाँ पर, क्योंकि नेटवर्क बहुत अच्छे आ रहे हैं। अरे कहीं बुला नहीं आ, बुलाओ भाग के आएगा फिर। बोलो नहीं, बोलो सही। बेटा आ, आ ही गया आपके बुलाने पे वो। अभी तो आप कल खाएंगे। हा? कल चला। हाँ वो भी है, तो शाम के टाइम पे खाएंगे ना। तो जाना है ना राजन। सुबह जाएंगे। कहाँ पे लगा पपीता? हाँ ये है। इसको दादा तोड़ रहा हूँ मैं। तो ये हमने पपीता तोड़ दिया है, अब इसको खाएंगे। तो गाइस, पहाड़ों का मौसम कुछ इस तरह बदलता है। अभी थोड़ी देर पहले धूप थी और अभी देखिए मौसम, देखिए
मौसम ख़राब है तो देखो हमारे गायें खुद ब खुद घर आ रही हैं, और अभी उनका एक घंटा और था जिसमें वो अपना भरपेट घास खा सकते थे, लेकिन अब क्या करें, बारिश होने वाली है तो वो भी अपने घर को वापस आ रहे हैं। आज बारिश हो गई ना, उस वजह से इनको घर में वापस लेके आए हैं और घर में ही घास खिलाना पड़ रहा है। अब देखो कितने मज़े से लगे हरा घास खाने में, आजकल गर्मियों के टाइम पे कहाँ मिलता जंगल में ऐसा घास, और घर में मज़े आ रखी है इनकी। और इन छोटे छोटों को भी दादी ने घास दे दिया है, ये कभी बड़े नहीं हैं, ये जंगल में नहीं जा सकते, इनको बाघ का डर है अभी तो इसलिए इनको घर में ही देना पड़ता है घास। और ये अभी छोटे छोटे हैं तो थोड़ा मेरे को देख के डर रहे हैं। और उधर एक साइड है एक गोरा सा है, वो उसके पास जाना था पर वो बहुत डर रहा है। सो गाइज अभी शाम की चाय का टाइम हो चुका है। गाइज अब हम जा रहे हैं अपने मंदिर में, भूम्या ठाकुर जिसे भूमि का देवता बोला जाता है। तो अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हमारे भूम्या ठाकुर कहाँ पे हैं, और उनको गुड़ की बिल्ली, हल्दी, धूप। सो गाइज हम पहुँच चुके हैं अपने भूम्या ठाकुर भूमि के देवता के पास। तो भाई हम आपको भालू दिखाते हैं, हमने जंगल में भालू देखा, ये यहाँ पे हम पूजा करके जा रहे हैं, ये देखिए वो मैं ठाकुर में रखे हैं, और ये वो ट्रेन के नीचे भालू है तो हम देखते हैं। ये थोड़े मोटे आदमी हैं, इन ये दुर्राटे काटते हैं। तो गाइज रात काफ़ी हो चुकी है, अपने ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं गाइज अगले ब्लॉग में।